welcome to win online, your channel for educational videos. now today, as you can see, there are lots and lots of books on the table uh, because today's video is for the parents who want to inculcate good study habits in their children. Uh, because one uh, golden rule for inculcating good study habits is uh, developing the habit of reading for pleasure. अब रीडिंग फ़ॉर प्लेजर क्या है रीडिंग फॉर प्लेजर इज़ रीडिंग बुक्स अदर दैन द कोर्स बुक्स जो उनकी दरसी किताबें हैं या जो कोर्स बुक्स हैं उनके अलावा वो मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ें फ़ॉर प्लेजर इन्जॉयमेंट के लिए अब आप ये कहेंगे कि वो तो कोर्स की किताबें नहीं पढ़ते किताब को हाथ नहीं लगाते तो रीडिंग फ़ॉर प्लेजर जो है वो कैसे करेंगे और उसका क्या फ़ायदा होगा रीडिंग फॉर प्लेजर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज नंबर वन इट टीचज़ द चिल्ड्रेन डिसिप्लिन उनको डिसिप्लिन वो रीडिंग फॉर प्लेजर से डिसिप्लिन सीखते हैं दे बिल्ड अ स्टेमिना फॉर रीडिंग और किताब को पढ़ना और उसको मुकम्मल करना स्टेमिना डिवेलप करते हैं uh, उनकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है किसी भी जुबान की वो किताब पढ़ रहे हैं अंग्रेजी या उर्दू की तो उसके अंदर जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने से उनकी ना सिर्फ पढ़ना बल्कि लिखना भी इम्प्रूव होता है दे बिकम मोर क्रिएटिव एंड मोर इमेजिनेटिव बाय इन इन रीडिंग फ़ॉर प्लेजर अब रीडिंग फॉर प्लेजर करवाई कैसे जाए और इसके क्या तरीक़े हैं उसकी तरफ हम आते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रीडिंग फ़ॉर प्लेजर से किस किस किस्म के प्लेजर्स जो हैं वो बच्चों को हासिल होते हैं नंबर वन इज़ द प्ले प्लेजर द इमर्सिव प्लेजर जिसको हम कहते हैं जैसे जैसे आप अक्सर कहते हैं ना कि वो गेम्स में गर्क हो गए और उन्हें पता नहीं चलता कि उनके गिर्द क्या हो रहा है उन्हें हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती सेम हैपन्द रीडिंग अगर बच्चों को रीडिंग का शौक़ हो जाए और वो किताबें पढ़ने को इंजॉय करने लगें तो वो एमर्स हो जाते हैं इसके अंदर और इससे उनको uh, मज़ा आता है दैन इट इज़ द इंटेलैक्चुअल प्लेजर क्योंकि जैसे मैंने बताया वो ज़ुबान भी सीख रहे हैं मुख्तलि किताबें मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखी जाती हैं उनका स्टाइल अलग होता है बाज़ की एलिस्ट्रेशन्स अलग तरीके से बनी होती हैं मुख्तलिफ़ तरीके से उनके अंदर तस्वीरें होती हैं तो दिस इज़ एन इंटलेक्चुअल प्रेशर वो इस उसको देख कर उनका दिमाग उनकी काग्नेटिव स्किल्स जो हैं वो कागनेटिव स्किल्स उनकी इम्प्रूव होती हैं जैसे आ, जैसे आप देखिए जब मैं किताबों की तस्वीरों की बात कर रही थी तो मज़ेदार मज़ेदार तस्वीरें मुख्तलिफ कहानियों के साथ बनी हुई हैं अब वो साथ पढ़ भी रहे हैं और तस्वीरों को भी देख रहे हैं तो इससे उनके कॉग्नेटिव स्किल्स जो हैं उनकी दिमागी सलाहियत सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बढ़ती है देन देर इज़ सोशल प्लेजर Uh, कि वो मुख्तलि किरदारों को देखते हैं उनकी जिंदगियों को देखते हैं उनके मुख्तलिफ़ महसूसात को देखते हैं जैसे आप इस किताब को देखिए इसमें बहुत सारी औरतों की कहानियाँ हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ख़ास किया हुआ है चाहे आर्ट में चाहे साइंस में चाहे सियासत में चाहे पेंटिंग में और हर सफ़े के ऊपर एक औरत की कहानी है और साथ ही उसकी तस्वीर भी बनी हुई है तो इससे उनको सोशल प्लेजर भी मिलता है वो किरदारों की फीलिंग्स को समझने लगते हैं और वो कहानियों को किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखने लगते हैं यानी राइटर ने किस तरह से लिखा है किरदारों को वो उसको भी समझने लगते हैं तो प्लेजर की ये तीन मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो कि उन्हें हासिल होती हैं वन दे आर इन इन रीडिंग जब वो रीडिंग में रीडिंग से मज़ा लेने लगते हैं नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ कि कैसे उनको आमादा किया जाए या ये आदत बच्चों में कैसे डाली जाए द बिगेस्ट थिंग इज़ टू स्टार्ट अर्ली ऑन जितना शुरू और जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हैं जितनी छोटी उम्र से आप शुरू कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस होगी नो बहुत छोटा बच्चा हो और डजेंट नो वट अ बुक इज़ डजन नो हाउ टू रीड कुछ नहीं पता बट यू कैन मेक द चाइल्ड सिट इन योर लैप और बड़ी बड़ी किताबें होती हैं ये तो खैर बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं इससे भी बड़े पेजेस होते हैं एंड यू कैन ओपन द बुक इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड एंड स्टार्ट रीडिंग राइट एंड ऑल्सो पॉइंटिंग टू द पिक्चर्स एंड शोइंग द पिक्चर्स पढ़ते वक्त ये ख्याल रखना है आपने कि आपकी आवाज़ जो है वो उसमें उतार चढ़ाव हो वो बिल्कुल एक मनाटनस ना हो आपकी आवाज़ और फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड लेडी डिव द चेस्टनट्स एंड द थी हर रिंकल्ड हैंड्स वर्म्ड अप अराउंड द स्थीमिंग कप एंड हर फेस रिगेंड इट्स कलर राइट तो बजाय इसकी बिल्कुल सीधा सीधा फ्लैट फ्लैट पड़ें आवाज़ में कुछ थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जो है वो आप शामिल करें वेरी अर्ली ऑन बहुत शुरू से वहीं से बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा होती है बट इट्स नैवर टू लेट एक और फार्मूला है जिसको आप अपने बच्चे की उम्र के साथ उसको जोड़ सकते हैं जैसे टेन बिफोर टेन अगर आपका बच्चा दस साल का अभी नहीं हुआ टेन बिफोर टेन का मतलब है कि दस साल होने से पहले मैंने दस साल की उम्र से पहले मैंने ये दस किताबें पढ़नी हैं क्लासिक्स भी हो सकते हैं उसमें क्लासिक्स भी शामिल हो जा हो सकते हैं या बच्चे की दिलचस्पी की कोई भी किताब जो उसके मिजाज के मुताबिक हो बट वो दस किताबें पढ़नी है दैट इज़ वन फार्मूला राइट तो पहले मैंने आपको बताया कि स्टार्ट अर्ली ऑन बहुत पहले आपने शुरू करना है सेकंड आप एक टारगेट एक गोल रखें बच्चे के लिए ठीक उसके लिए एक उसे एक मंजिल हो जहाँ तक उसने पहुँचना है उसने ये अचीव करना है बिकॉज़ वेन देर इज़ अ चैलेंज तो फिर लर्निंग जो है वो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है और लर्नर्स जो हैं वो तैयार होते हैं वो करने के लिए देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ टू सेट अ टाइम फॉर रीडिंग रीडिंग के लिए एक वक्त मखसूस करना जैसे किसी भी चीज़ को आदत बनाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसे बार बार रिपीट किया जाए और इस एक मखसूस वक्त में रिपीट किया जाए राइट सो सेट अ टाइम फॉर रीडिंग और उस वक्त में बच्चे ने रीडिंग करनी है लेकिन सिर्फ बच्चे ने नहीं करनी आपको भी उसके साथ रीडिंग करनी है ऐसा नहीं है कि यू आर यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन आप अपने मोबाइल पे बिजी हैं या यू आर कुकिंग एंड यू आर टेलिंग द द चाइल्ड अगैन एंड अगेन पढ़ो 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 ये किताब पढ़ो मुझे अभी तुमने ख़त्म करनी है नॉट लाइक दैट यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन इट आपको भी उस वक्त रीडिंग uh, ही करनी है और इसके लिए एक एक्रेम बड़ा मशहूर है डियर सो ड्रॉप एवरी थिंग एंड रीड ड्रॉप एवरी थिंग एंड रीड चाहे दस मिनट रोज़ाना है चाहे पंद्रह मिनट रोज़ाना है चाहे इससे ज़्यादा लंबा वक्त आप दे सकते हैं बट बी इन्वॉल्व इन द रीडिंग विद द चाइल्ड और शुरू में अभी, अभी अभी आप अगर शुरू कर रहे हैं तो गो विद ई ईजी छोटी कहानियाँ जैसे लुक एट दिस इसमें अब एक किताब के अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं राइट right? और मुख्तलि टॉपिक्स के बारे में हैं तो छोटी छोटी कहानियाँ दो दो तीन तीन सफ़ों की कहानियाँ हैं वन द चाइल्ड फिनिशेज तो इट्स सेंस ऑफ एक्कम्पलिशमेंट कि हाँ मैंने ये कहानी पढ़ ली इट फिनिशेज हेयर राइट बहुत छोटे बच्चों की कहानियाँ जो हैं उनमें बाद में देर आर वन लाइनर्स सिर्फ एक एक लाइन लिखी होती है और बाकी सफ़े के ऊपर जो है लाइक लुक एट दिस बुक अभी बताओ जल्दी बताओ क्या तुम मेंढक बनकर डर्राओगे या तितली बनकर पर फैलाओगे नथिंग एल्स लाइक देर आर टू लाइन्स और बाकी सारी एलिस्ट्रेशन है और फिर इसी तरह जो है क्या वेल बनकर घूमोगे और समुंदर में गाओगे या केकड़ा बनकर गहरे समुंदर में घर बनाओगे ना देर इज़ अ पिक्चर एंड जस्ट दीज सेंटेंसेस एंड एंड इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज बट दे हेल्प द चाइल्ड टू एक्वायर द स्किल ऑफ रीडिंग और इसमें इंजॉयमेंट भी उसके साथ साथ बच्चे इंजॉय uh, भी करते हैं इसके अलावा कीप अ रीडिंग जर्नल एक रीडिंग जर्नल अपने बच्चे के लिए बनाइए जिसमें कि वो एक तो लिस्ट बनाता जाए कि ये 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 किताबें मैंने पढ़ ली हैं उनके नाम लिखे सेकेंडली कैन एलिस्ट्रेट समथिंग फ्रॉम द बुक जो बच्चे ने पढ़ी हो उस जो भी किताब पढ़ी उसमें से कोई तस्वीर हो उस जर्नल में बनाता जाए राइट कैन ऑल्सो राइट अबाउट अ कैरेक्टर Uh, किसी एक कैरेक्टर के बारे में कोई चार पांच लाइनें उसमें लिख लिख दे या राइट एंड ओवरऑल समरी या जो uh, किताब का खुलासा सा है या इस कहानी में क्या चार पांच बड़े वाक़ थे कैन कैन इवन राइट दैट या आप पढ़ते वक्त बच्चे की तस्वीर लें एंड कैन ऑल्सो पेस्ट दैट पिक्चर इन दैट जर्नल वो पिक्चर भी उसमें लगा दें कि जी ये रीडिंग टाइम में मेरी और एक से ज़्यादा दफ़ा मुख्तलिफ़ पोजेज़ में मुख्तलिफ शक्लों में जब आप बच्चे को देखें रीड करते हुए दिस इज़ ऑल uh, उसकी रीडिंग जो है उसके लिए माहौल बनाना है राइट नैर थिंक दैट इट इज़ टू लेट नवर थिंक अभी नहीं हो सकता अभी कहाँ से शुरू करेंगे अभी मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा क्या करेगा दैट दैट इज़ नॉट द पॉइंट पॉइंट इज़ कि आप जिस वक्त भी शुरू करें एंड देन uh, हर जुबान की किताब लाइक like जो ज़ुबान आपके बच्चे को आती हैं इंग्लिश उर्दू हर जुबान की किताब अबाउट अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स फिक्शन भी नॉन फिक्शन भी ठीक है इस तरह की किताबें फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका टेस्ट डेवलप होगा और वो खुद से जाएगा और चुनेगा अपने लिए किताब और उसको पढ़ने में उसको मज़ा आएगा देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिटरेचर बच्चों का बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है हर किस्म की किताबें हैं कुछ में सिर्फ पढ़ के नीचे ड्रॉ करना है लाइक लुक एट दिस बुक अब इसमें कुछ भी नहीं है बड़ी मशहूर किताब है इसमें ये कैरेक्टर है जिसका नाम वॉली है और इसको ढूंढना होता है हर सफ़े पे इसको ढूंढना होता है तो हर सफ़े पे कहीं ना कहीं वॉली जो है वो सीन के अंदर छुपा होता है और बच्चे को ग़ौर से देख के उसको कहीं ना कहीं ढूंढना होता है ना इसमें ज़्यादा रीडिंग है बल्कि बिल्कुल रीडिंग नहीं है राइट बट अगेन फोकस करना ग़ौर से देखना ढूंढना, और किताब को पकड़ के बैठ रहा है और इसमें ढूंढ रहा है ये वाली एक्टिविटी जो है इसमें शामिल है सो so, जैसे मैंने आपसे कहा मुख्तलिफ अंदाज़ की और वैरायटी ऑफ बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ये जैसे ये देखिए ना दिस बुक इज़ जस्ट अबाउट होम्स बट इट टेल्स के जो बच्चे नॉर्थ में रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे है जहाँ पर बहुत लंबा बहुत लंबी रात होती है और बहुत लम्बा छः छः महीने की रात और इस तरह बहुत लंबा दिन होता है तो वहाँ बच्चे किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं इलस्ट्रेशनज़ हैं और बहुत आसान आसान नज़में इसमें बनी हुई हैं सो so, आज कल आपके पास वक्त है फॉर्चुनेटली ये बेहतरीन गोल्डन चांस है प्लीज़ इसको अवेल कीजिए और एंड ट्राई uh, कि आप अपने बच्चों के साथ रीडिंग शुरू करें यू ऑल्सो रीड समथिंग दे ऑल्सो रीड समथिंग दिस इज़ द बेस्ट टाइम वेन यू कैन इंकरेज योर चिल्ड्रेन टू स्टार्ट रीडिंग और रीडिंग हैबिट उनमें डिवेलप करने के लिए पहला कदम आप ले सकते हैं आई uh, होप कि इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप ज़रूर अप्लाई करेंगे Uh, और आप आप देखेंगे कि आपके बच्चे को एकेडमिकली इसका कितना ज़्यादा फायदा होगा थैंक यू सो मच फॉर टुडे दैट्स ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल लाइक शेयर एंड कॉमेंट थैंक